एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभम गुर प्रसाद जप आध सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच ना हो वही जे सोची लखवार चुप चुप ना हो वही जे लाई रहल वितार भुखिया भुक ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्याण पालक हेलो एवरीवन दिस इज प्रेम दिस इज श्रेया वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएफएफ ब्लेंड। तो आज हम लोग आए हुए हैं पटना साहिब के गुरुद्वारा में जो कि सिख धर्म का एक धार्मिक स्थान है जहाँ पे लोग आके आशीर्वाद लेते हैं अपने गुरु से। तो ये जो जगह है यहाँ पे गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ था जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इस गुरुद्वारे को बिल्ड किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। और जो गुरु गोविंद सिंह साहब थे उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 में। और अगर आप पटना में रहते हो और आपको यहाँ पे आना है तो उसके बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे आप ऑटो से भी आ सकते हो और ट्रेन से भी आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्टेशन है पटना साहिब के नाम से, तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हो। तो अभी हम अंदर जाएंगे, माथा टेकेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे एक टूरिस्ट प्लेस भी है और सिख लोगों का धार्मिक स्थान तो है ही। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आप गुरुद्वारे के अंदर एंट्री करोगे मेन गेट से, आपको यहाँ पे राइट साइड में एक पार्किंग मिल जाएगी जहाँ पे आप अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर जिससे भी आप आ रहे हो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। एंड उसके साथ ही आपको यहाँ पे वॉशरूम भी मिल जाएगा और अगर आप फुटवेयर आपको रखना यहाँ पे मैंडेट है तो उसके लिए भी यहाँ पे जूता घर है, आप सेफली अपना जो फुटवेयर है वो रख सकते हो। तो अभी हमने अपना शू जमा कर दिया है शू हाउस में और जैसे ही आप उसके आगे आओगे तो आपको वहाँ पे टैप मिलेगा जहाँ पे आप हाथ धो सकते हो अपने। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप अपना शू छू रहे हो तो हाथ धोना तो बनता ही है। चलो मैं भी धो लेता हूँ। अब एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी जो कि है यहाँ का साफ सफाई, बहुत अच्छे से ये लोग ध्यान रखे हुए इस चीज़ का। तो अभी हम गुरुद्वारे के अंदर से माथा टेक कर आ गए हैं और उसके बाद हम जा रहे हैं लंगर खाने। और यहाँ का तो लंगर कभी भी आप आए तो मिस ना करें क्योंकि यहाँ का जो लंगर का स्वाद होता है वो अलग ही लेवल का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पर अंदर चल के कोशिश करेंगे कि लोगों को देखने का कि वो लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं वहाँ का खाना, कितनी साफ सफाई से। और यहाँ पे लोग खुद से आते हैं हेल्प करने के लिए, आप सेवा भी कर सकते हो गुरुद्वारा।
अभी हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारा के लंगर वाले किचन में, जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ दिख जाएगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग लंगर खाएं तो अभी तो बन नहीं रहा है, साफ़ सफाई करके अभी रोक दिया गया है। तो ये इसके बाद वाले रात वाले लंगर के लिए वापस से चालू होगा यहाँ पे काम, लोग अपना सेवा करेंगे यहाँ पर। तो ये रहा गुरुद्वारा का किचन बड़ा सा। यहाँ पे एक आंटी हैं जो यहाँ पे लोगों की सेवा करती हैं, तो इनसे हम जानते हैं कुछ चीज़ें कि किचन कैसे काम करता है। तो आंटी आपका नाम क्या है? गुरजीत कौर। गुरजीत आंटी, आंटी आप ये बताओ मेरे को कि ये किचन कब से कब स्टार्ट होता है सुबह में? सुबेरे 4 बजे से हो जाता है चालू जी, 4 बजे से लेके 12 बजे तक पूरा बनते रहता है। 12 बजे तक? हाँ, फिर सुबेरे फिर शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बनते रहता है। अच्छा, फिर 8 बजे लंगर खुल जाएगा, 8 से 5 बजे भोर तक चलेगा। तो आंटी यहाँ पे कड़ा प्रसाद जिसको महाप्रसाद बोलते हैं, वो कब बनाया जाता है? वो बनेगा अभी 4 बजे बनेगा, शाम को 4 बजे बनेगा, फिर उसके बाद में 3 बजे भोर में बनेगा, 3 बजे भोर में अंदर जाते हैं दरबार। तो किचन पहली बार 3 बजे खुल जाता है? हाँ, 3 बजे से चालू हो जाता है गुरुद्वारा। और यहाँ पे लंगर मतलब मिलना कब स्टार्ट होता है, कब लोग यहाँ पे आगे लंगर खा सकते हैं? तो 11 बजे खुलता है, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक चलता है, खा सकता है। फिर 8 बजे खुलेगा रात में, तो 8 बजे से लेकर के आपको 5 बजे भोर तक चलेगा। आंटी फिर से बता दीजिए क्या क्या खाने में होता है? खाना में दाल रोटी सलाद अचार और सब्जी दाल यही। तो ये सारी चीज़ें आपको लंगर में मिल जाएंगी खाने को। तो अभी हमने कुछ चीज़ें समझी यहाँ पे आके कि किचन कैसे काम करता है और कैसे लोगों के को खाना दिया जाता है लंगर में। तो काफ़ी अच्छा सेटअप है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। और अगर आप कभी भी गुरुद्वारा आओ तो लंगर कभी मिस ना करें, क्योंकि यहाँ खाना बहुत टेस्टी था। पहले बिलिंग करा लूँ और बिलिंग कराने के बाद यहाँ वाले काउंटर से प्रसाद लूँ। दो तरीके के प्रसाद हैं, सिंधी और कड़ा प्रसाद जो होता है, आपको जो देना आपको दे सकते हैं। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये गुरुद्वारा का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। एंड अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अभी हमें ये बात पता चली है कि 71% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोज़ को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। तो स्क्रीनशॉट लगा देंगे आप। एग्जैक्टली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एंड टिल देन मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में और एक और चीज़, हमारे जो वीडियोस है वो वीक में एक बार आते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे बने रहें और देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।